नमस्ते दोस्तों, फूड बिस्टा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज घर पर खाना नहीं बनाऊंगी, आज चलते हैं एक दीदी के घर, दीदी जी से मिले। नमस्ते दीदी, बड़ी रहे। और बताओ का हाल बा दीदी? हाँ सब ठीक है, घरे धान नहीं रहा सवेरे। अच्छा आवा हाथ ये चलते महुआ बैठा ठोकवा बनाऊ। अच्छा पतो रही ना यारे चली गई बैठे। अच्छा, त्योहार जनते ही है। हाँ, अब बिटिया अपने घरे पर नहा लिया आई है। हाँ, हाँ। अब चलते ही ठोकवा बना खवा पिया। तो दीदी कैसे बनाऊ? अब ये चलते महुआ बैठाऊ, अब बैठा के सब तब आटा सानबे बनाऊ ठोकवा। देखो दोस्तों, दीदी घर पर अपने अकेली है और गई है खेत निराने। खेत निरा के आई है तो घर का पूरा काम की थी। तब काम करने के बाद अब ये महुआ है, महुआ की रेसिपी आप लोगों के बना के दिखाऊं। सही बात। तो दोस्तों महुआ बहुत अच्छे से उबल गया है, चूर गया है, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाला जाता है। अब इसको सिलबट्टे के साथ पीस लेते हैं। दीदी के साथ में मैं कुछ हेल्प करा देती हूँ। दीदी दह निकाल दे। तो दोस्तों इसको दीदी सिलबट्टे के साथ पीस लेती हूँ। आप लोगों को आज नए नए तरीके से बना के ठोकवा दिखाऊंगी। आजकल माछी बहुत लागत है दीदी। देखा ना ये बारिश मौसम बा है, एक तो मीठा महुआ। हाँ अच्छा, मैं और कुछ ना डालू दीदी? डाला ना लाची दूठना वा आटा ना वा था, ये देखिए चौका बेला ताप सेका तेल लगाओ। अच्छा जो ना इमा मीठा उठा ना डलाते? ना ही मीठा ना ही तेल महुआ भर मीठा ना दीदी तब का। अच्छा महुआ मीठा अपने आप होता? महुआ अपने आप देखे ना मीठा रहा है। आटा मेरा गुथा गया है, अब मैं ठोकवा के बना लेती हूँ। पहले मैं लोइया काट लिया है, इसलिए बनाती हूँ। बरसात के लिए ठोकवा का बहुत अच्छा लगता है खाए में, बहुत स्वाद इसका आता है। अच्छा अच्छा हाँ बहुत बहुत अच्छा आता है बारिश में ना, महुआ ठोकवा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना रही हूँ खाने के लिए। दीदी दोस्तों दीदी बोल रही हैं कि ठोकवा का स्वाद बहुत अच्छा होता है और बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए इसको ज़रूर बरसात में बना के खाइए, बनाना चाहिए, इसलिए बनाती हूँ। महुआ और मटर के दाली में बना था घुघरी। अच्छा हाँ खाए में बड़ा अच्छा आवत है। आजकल लोग आए धान निराई के
यह तो महुआ में चलो घुघरी बनावा है। हाँ। तो मटर के दाली में नाई दही मस्त खवात है और एक था गुलगुला बैठाए कि गुलगुला बनत है आ जाए चल बारिश में और ठुकवा बनता है। तो दोस्तों दीदी बोलत है कि बरसात में महुआ का ठुकवा बना के रख दे और एक दिन दो दिन खा सकत है बहुत अच्छा जितना ठंडा होत है उतना ही अच्छा आवत है और चना के दाल में मटर के दाल में घुघरी भी बना के रख दे ओके खा ओके अच्छा आवत है फायदा भी करत है स्वास्थ्य भी अच्छा रहत है महुआ बहुत फायदेमंद होत है इसलिए महुआ रखे रहन लोग तो अपन बनाई के दोपहरिया में चाहे जौने टाइम खाए के मन बात अपन बना के धई देन और खाएन पीन। दीदी कथा से खाई हैं यहाँ चारस खा सकत है और सब्जी बनाए तो सब्जी उस खा सकत है अच्छा आवत है और कोनो खट्टी मीठी चटनी रहे वह खा वह अच्छा आवत है। दोस्तों आज मैं अब चल थी हम अपने घर। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो बनो यार वीडियो बनो यार। तो दीदी चल थी अपने घर और सब ठीक ठाक बन और सब ठीक है जो जितना कहे उतना ध्यान दे चलो ठीक है। चल नमस्ते।